मंडी जिला के सदर उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत मराथू में पेयजल संकट गहरा गया है। पानी की समस्या इस कदर विकराल हो गई है कि ग्रामीणों को पीने तक के लिए पानी नसीब नहीं हो रहा है। मराथू पंचायत के जिस खड्ड से उठाऊ पेयजल योजना चलाई जा रही है वो खड्ड ही सूख गई है, जिस कारण पेयजल की समस्या विकराल हो गई है। ग्रामीणों ने कुछ समय पहले ही जिला प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवा दिया था, लेकिन समय पर कोई समाधान न होने के कारण आज करीब 4 दर्जन महिलाएं पंचायत प्रधान की अगुवाई में डीसी के दरबार में पहुंची और पानी की समस्या का हल करने की गुहार लगाई। मराथू पंचायत की प्रधान नर्मदा शर्मा ने बताया कि गांव के सभी प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए हैं। 4 प्रमुख गांवों की करीब 2500 आबादी पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को खुद पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, ऐसे में पशुओं को कहां से पानी मुहैया करवाएं, ये समस्या बनी पड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि उनका पूरा दिन पानी की तलाश में बीत रहा है और फिर भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने डीसी मंडी से इन गांवों में पानी के छोटे छोटे टैंकर भेजने की गुहार लगाई, क्योंकि गांवों के लिए लिंक रोड की सुविधा है। हमारे LWSS स्कीम है, टोप खड से मराथू बटियाना जनेड थलेड, तो वो जो है उस स्कीम के अंदर जितने कर भी नल चलते थे सारे सूखे पड़े हुए, क्योंकि खड सूख गई है तो सारे नल भी सूख चुके हैं। तो लोगों को जो है भारी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है, भारी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। तो हमने डीसी साहब को 22 तारीख को मिले थे, उस दिन इन्होंने आश्वासन दिया था हमें, परंतु हमने सोचा था 1-2 दिन में गाड़ी लग जाएगी, परंतु गाड़ी न लगने से हमें आज दोबारा डेपुटेशन मिला और उन्होंने आज भी आश्वासन दिया हमें कि जल्दी जो है हम इसका आपके समाधान इस समस्या का कर देंगे। तो फिर अब देखते हैं अब कब तक जल्दी हो जाती, तब तो बहुत मेहरबानी होनी थी इनकी, अब कब तक लगेगी, अब ये पब्लिक के सामने होगा। हमने तो अपनी तरफ से प्रयास किया है। 2500 आबादी है हमारे मराथू पंचायत की और 4 गांव में ज्यादा समस्या है और मराथू में भी समस्या है, ऐसा नहीं है अभी वहां नहीं है, परंतु वहां ऐसा है अभी थोड़ा 2-3 हैंडपंप लगे हुए हैं, वहां मिल जाता है पर लाइनों में लगे। ननावा है, बटियाना है, थलेड है, ककड़ाऊ है, उन 4 गांव में जो है बहुत समस्या है, क्योंकि वहां नल जो है सूख गया और जो सोर्स है नेचुरल वो भी सूख चुके हैं और लोगों को बड़ी भारी प्रॉब्लम हो रही है और दूर दूर जाना पड़ता है। सारा सारा दिन लेडीज को पानी का ही काम होता है पर वो भी पूरा नहीं हो रहा है। हमें हो गए 6-7 दिन ना पानी नहीं आया हुआ है और एक ही सोर्स बचा था हेडपम्प, अब वो भी सूख गए हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पानी कहीं भी नहीं मिल रहा है, दूर दूर से लाना पड़ रहा है और जानवरों को तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई हो जाएगी।